शनीश्चराय नमः। ॐ शं शनीश्चराय नमः। शनि के क्रोध से कांपता है इंसान। शनि की टेढ़ी नजर कर देती है हैरान। शनीश्चराय नमः। शनि के कोप को कृपा में बदल देगा शमी। शनीश्चराय नमः। वैसे तो शनि न्याय के देवता कहे जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करना आसान नहीं। शनि अगर क्रोधित हो जाए तो इंसान को धरती पर ही नरक लोक के दर्शन हो जाते हैं। जिंदगी हर तरह से संकटों से घिर जाती है। लोग शनि को अनुकूल बनाने के लिए तरह तरह के उपाय भी करते हैं, लेकिन शनि को शांत और अनुकूल करने का सबसे उत्तम उपाय बहुत कम लोगों को मालूम है। वो उपाय है शमी के दिव्य वृक्ष का पूजन। नवग्रहों में शनिदेव को सबसे महत्वपूर्ण यानी न्यायाधीश का स्थान मिला है। इंसान के अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव के पास ही होता है, और उसी के आधार पर शनिदेव इंसान को फल भी देते हैं। इसीलिए इंसान अपने जाने अनजाने पापों के फल से भयभीत रहता है। लेकिन ज्योतिष के जानकारों की माने तो शमी वृक्ष की नियमित पूजा करने से शनि के भय से मुक्ति मिल सकती है। तो आइए जानते हैं किस पर बरसती है शनि की महाकृपा। शनि कब बरसाते हैं कृपा? अगर आपके मन, वचन और कर्मों में शुद्धता हो, अगर आप अनुशासन में रहें और हमेशा सत्य बोलें, अगर आप अपने से कमजोर और निर्बलों की सेवा और सहायता करें, अगर आप अपने से छोटे लोगों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करें, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करें, अगर आप पेड़ पौधे लगाएं और भूखों को भोजन कराएं, अगर आप भोलेनाथ या श्री कृष्ण की नियमित उपासना करें, तो शनि कृपा बरसाते हैं। शनीश्चराय नमः। अच्छे कर्म करने वालों को कभी कष्ट नहीं देते शनिदेव, और बुरे कर्म करने वालों को कभी छोड़ते भी नहीं। इसीलिए शनि के कोप से बचने के लिए इंसान को सबसे पहले अपने कर्म सुधारने चाहिए, ताकि शमी के पेड़ के पूजन का पूर्ण लाभ मिल सके। इस चमत्कारी पेड़ से जुड़ी कुछ मान्यताएं भी हैं, आइए जानते हैं। ओम शम शनि चराय। महाभारत में भी शमी वृक्ष के बारे में लिखा गया है। अपने एक साल के अज्ञातवास में पांडवों ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र शमी के पेड़ पर ही छुपाए थे। युद्ध पर जाने से पहले पांडवों ने शमी वृक्ष की पूजा की थी और विजय का आशीर्वाद लिया था। धर्म ग्रंथों के मुताबिक लंका विजय से पहले श्री राम ने भी शमी वृक्ष की पूजा की थी। कथा के मुताबिक कवि कालिदास ने शमी वृक्ष के नीचे तप करके ही ज्ञान प्राप्त किया था। तुम सूर्य पुत्र बलधारी भय मानत दुनिया सारी। शमी शमयते पापम शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी रामस्य प्रियदर्शिनी, करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया, तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। शमी के इस मंत्र का अर्थ है, हे शमी, आप पापों का क्षय करने वाले और दुश्मनों को पराजित करने वाले, आप अर्जुन का धनुष धारण करने वाले हैं और श्री राम को प्रिय हैं। जिस तरह श्री राम ने आपकी पूजा की, मैं भी करता हूँ। मेरी विजय के रास्ते में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करके उसे सुखमय बना दीजिए। इस मंत्र का अर्थ सुनने के बाद आप जान चुके होंगे कि शमी का ये वृक्ष कितना दिव्य और चमत्कारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वृक्ष शनिदेव के साथ साथ प्रथम पूज्य श्री गणेश को भी अति प्रिय है? शमी वृक्ष की जड़ को विधि विधान से घर लाएं, उसे घर में लगाकर रोजाना उसकी पूजा करें। ऐसा करने से घर में गणपति का आगमन होगा और शनि की कुदृष्टि से छुटकारा मिलेगा। श्री गणेश को शमी की पत्तियां या फूल अर्पित करते समय मंत्र का जाप करें। त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वे शमी दलानि हे रम्भ गृहाण गणनायक। मंत्र जाप के बाद गणपति को मोदक और दूर्वा का भोग लगाएं, फिर आरती करें। शमी के पौधे की जड़ को काले धागे में बांधकर गले या बाजू में धारण करें। ऐसा करने से शनिदेव से जुड़े जितने भी कष्ट हैं, उनका निवारण हो जाएगा। पूजा करते समय शमी के कुछ पत्ते गणेश जी को अर्पित करने से घर में धन और सुख में वृद्धि होती है। तो आप भी चमत्कारी शनि को घर लाइए और उसका पूजन करके जीवन को धन्य बनाइए।